हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करी हैं बाइक के ऊपर, तो वो सब देखा था हमने। आज हम लोग देखेंगे इसका बैकरेस्ट निकालने के बाद इसका लुक कैसा होता है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बैकरेस्ट और विद कैरियर मैंने ये अमेजोन से खरीदा था, 2000 रुपये में पड़ा था मुझे, नया लिया था मैंने। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल है, मैंने इसके ऊपर अब तक बहुत सारा वेट डाल दिया है, जिसकी वजह से मेरे को ये काफ़ी स्मूथ लगा और अच्छा लगा। इसमें आगे जाने के बाद में फीचर्स है कि बॉक्स भी मैं लगा सकता हूँ, बॉक्स स्क्रूज के साथ टाइट करके इसको फिट करके आई कैन यूज़ इट। इसमें नीचे की तरफ भी ऐसे रॉड्स लगी हुई हैं, तो इसलिए मुझे बैलेंस अच्छा मिलता है। बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें ये शीट रहती है सिर्फ, नीचे सपोर्ट नहीं रहता, तो वो वाले शीट वाले जब आप वेट डालते हो तो बेंड हो जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करके ये वाला लिया, जिसमें मेरे को काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिली है। हालांकि ये यहाँ से कनेक्टेड है, इसको एक एक्सटेंशन होना चाहिए था यहाँ तक, बट यहाँ से कनेक्टेड है तो मेरे को ये डर रहता है कि कभी भी इस पर एक्स्ट्रा वेट पड़ा तो ये स्क्रूज़ के यहाँ से कहीं से बैंड ना होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम लोग अभी आज ये देखेंगे कि इस बैकरेस्ट को निकालने के बाद ये फ्रेम कैसा लगता है, कितना कंफर्टेबल रहता है और कितना अच्छा रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नीचे के जो 3 स्क्रूज़ हैं इसको खोल के हम लोग इसे निकालेंगे। ये तीनों स्क्रूज खोलने के बाद कैसा दिखेगा हम ये आपको दिखाते हैं। मैंने स्क्रूज को लूज कर दिया है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम लोग इसको कितना ऊपर हाइट तक लेके जा सकते हैं। इस हाइट तक आप इसको टाइट कर सकते हैं, आई जस्ट शो यू। तो ये इतनी हाइट तक ऊपर आ जाता है। अगर आप बहुत लंबे टूर पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको बार बार नहीं उतरना है, पीछे वाले को अच्छा बैक सपोर्ट देना, तो ये कर सकते हैं। और एक चीज़ है, जब मैं इस कैरियर के ऊपर बैग लगाता हूँ, अच्छे से सेट कर देता हूँ, रोप्स के साथ बांध देता हूँ, बंजिंग रोप्स के साथ, तो ये सपोर्ट के साथ इस बैक रेस्ट के साथ उस बैक का भी सपोर्ट मिलता है, तो पीछे बैठने वाले को काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो अपनी हाइट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इतने पॉइंट तक आप इसको ऊपर कर सकते हैं। चलिए इसको निकाल करके दिखाता हूँ कि इसके बाद इसको निकालने से लुक कैसा दिखेगा। कुछ इस तरह का लुक आएगा अगर मैं इसका बैक रेस्ट हटा देता हूँ, एकदम फ्लैट हो जाएगा। अगर मैं कुछ सामान रखता हूँ, कुछ रखता हूँ, तो इजी बेयरेबल रहेगा, राइट? सो ये स्क्रूज निकालने के बाद इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं बैकरेस्ट को। लेकिन बैकरेस्ट निकालने के बाद इसका थोड़ा लुक जो है थोड़ा ख़राब लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन ये अपनी घर की खेती है, कभी भी लगा सकते, कभी भी निकाल सकते हैं। चलिए, ये था बैकरेस्ट निकालने के बाद बाइक कैसी लगती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए बैकरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, जब आप लोकली कहीं मार्केट में जाते हैं तो आपको बैकरेस्ट की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आप लोकली ज़्यादा घूमते हैं बाइक को लेके, तो बैकरेस्ट हटा सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टूर जा रहे हैं तो बैकरेस्ट लगा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए।